गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ रहे हैं, एटम एंड मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो कल हमने वैलेंसी के बारे में देखा था। तो वैलेंसी हमने देखी थी कि जितने एटम की वो लेन देन करता है, जितने इलेक्ट्रॉन की कोई भी एटम लेन देन करता है तो वो कहलाती है उसकी वैलेंसी। जैसे हमने कल चार बोर्ड देखे थे, एक देखा था हमने वैलेंसी, एक देखा था वैलेंस सेल और एक देखा हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या होता है, सेंटर में होता है पॉजिटिव चार्ज जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, उसके बाहर क्या होती है सेल्स बने हुए होते हैं। ये जो सेल्स बने होते हैं इनको निल्स बोर ने के एल और एम नाम दिया था। इन सेल्स की जो बात करी थी वो रदरफोर्ड नाम का एक साइंटिस्ट आया था, वो बता के गया था। तो जैसे अगर हम बात करते हैं सोडियम की, एक हम बात करते हैं मैग्नीशियम की, एक हम बात करते हैं क्लोरीन की, पहले सेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे के अंदर आठ होते हैं और इसके अंदर पूरे कितने होते हैं 11, तो हो गए एक आठ और एक। मैग्नीशियम की बात करते हैं टोटल होते हैं 12, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, दो आठ और दो। क्लोरीन की बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर 17 होता है, जिसके अंदर 2 8 and 7 17। सपोज अगर हम इसको सोडियम का एटम मानते हैं तो सोडियम के एटम के अंदर पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, दूसरे के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, हो गए 10 और 1 इलेक्ट्रॉन बचा। तो अगर हम देखते हैं तो इसमें सबसे लास्ट वाला जो सेल है वो ये वाला सेल है बाहर, और इसको ही हम कहते हैं वैलेंस सेल। यानी आउटर मोस्ट जो सेल होता है, आउटर मोस्ट सेल जो है उसको ही हम क्या कहते हैं, वैलेंस सेल कहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने, अब इस सेल के अंदर आखिरी वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो जितने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे वही क्या होंगे, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। अब वैलेंसी क्या है, यानी जितने इलेक्ट्रॉन्स की ये लेनदेन करता है उसको हम कहते हैं वैलेंसी। जैसे अगर हम सोडियम की बात करें, अब इसमें अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इसमें 1 है, इसमें 2 है और इसमें 7 है। लेकिन अगर हम वैलेंसी की बात करते हैं तो वैलेंसी इसकी 1 है, प्लस की 1 होगी, इसकी प्लस की 2 होगी और इसकी माइनस की 1। जबकि वैलेंस सेल तो वही है जितने इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वैलेंसी क्या होगी, चेंज हो जाती है। वैलेंसी अलग अलग एटम्स के लिए अलग अलग होती है वैलेंस सेल। जैसे अगर हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर 19 है, 11 है, इसकी बात करें तो 2 8 1 और इसकी बात करें तो 2 8 8 और 1, तो इन दोनों में वैलेंस सेल तो चेंज है। वैलेंस सेल इसमें तीसरा वाला है, इसमें फोर्थ सेल है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है और इन दोनों की वैलेंसी क्या होती है, सेम होती है। तो अगर हम, जैसा कि आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि किसी पीरियोडिक टेबल के अंदर रो और कॉलम दो चीजें होती हैं जिनको अपन ग्रुप्स एंड पीरियड कहते हैं। तो ग्रुप्स होते हैं जो ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, जिसमें हमने पढ़े थे 18 ग्रुप होते हैं, और पीरियड्स होते हैं जो लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जिनको हम 7 पढ़ते हैं, और 7 इसमें क्या होते हैं, पीरियडिक टेबल में पीरियड्स होते हैं, ठीक है। तो अगर हम किसी एक ग्रुप की बात करते हैं तो उसमें जब नीचे आते हैं तो साइज बढ़ती जाती है, यानी कि सेल धीरे धीरे बढ़ता जाता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसमें सेम होता है, यानी एक ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है, लेकिन वैलेंस सेल धीरे धीरे बढ़ता जाता है, उसकी वैलेंसी भी सेम होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं धीरे धीरे, अगर हम लेफ्ट टू राइट आते हैं तो वैलेंसी पहले तो बढ़ती है और 4 यानी 14th ग्रुप के बाद में वापस से कम होती जाती है, तो वो वैलेंसी क्या होती है, अलग अलग हो जाती है। वैलेंस सेल जितना जो आउटर मोस्ट सेल होता है वो वैलेंस सेल होता है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंसी होती है।
अब अगर हम आगे देखते हैं तो हमने कल मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करी थी कि मॉलिक्यूल के अंदर, तो मॉलिक्यूल में हमने देखा था कि दो या दो से ज्यादा किसी एटम से मिलकर बनने वाला कोई कंपाउंड क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल कहलाता है। जैसे हमने NaCl के बारे में बात करी थी, तो NaCl की अगर हम बात करते हैं तो NaCl क्या है, NaCl क्या है, एक मॉलिक्यूल है जो दो एटम से मिलके बना है। इसमें कितने एटम्स हैं, दो एटम्स हैं। पहला एटम तो सोडियम का हो गया और दूसरा एटम क्लोरीन का हो गया। और ये क्या है, एनवायर के अंदर फ्रीली स्टेबल भी होता है NaCl का। अच्छा, अगर हम एम्पेरिकल फॉर्मूला की हमने कल बात करी थी, एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो इसका ये हो गया, और एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, इसका अलग होता है। अगर हम इसमें आगे चलते हैं तो आयन्स के बारे में हमने देखा था कि आयन्स कितने प्रकार के होते हैं। आयन्स दो प्रकार के होते हैं, पहला कैटायन होता है, दूसरा एनायन्स होता है। अच्छा, आयन्स बनते कब हैं, जब कभी बॉन्ड, देखो तीन प्रकार के बॉन्ड बनते हैं, एक बनता है आयोनिक बॉन्ड, दूसरा बनता है कोवेलेंट बॉन्ड, और तीसरा बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जब इलेक्ट्रॉन की लेन देन होती है, यानी कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है या दे रहा है। जैसे अगर हम NaCl की बात करते हैं तो Na, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा है इसने, इसका इलेक्ट्रॉन Cl ने यहाँ रखा। Cl के पास बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, बॉन्ड वन। तो जब इसको अपन तोड़ेंगे इस कंपाउंड को, तो ये क्या होगा, ये जो Na का इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला, इसको भी क्या होता है, Cl अपनी तरफ खींच ले जाता है। तो ये तो बन जाता है Na पॉजिटिव और ये बन जाता है साथ में Cl नेगेटिव। तो ये जो हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉन एड हुआ, और मैंने कल बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन एड होता है तो A4 एनाइन होता है, तो ये तो बनता है एनाइन आपका, और ये बनता है कैटायन। तो दो तरीके के आयन होते हैं, एक एनाइन एक कैटायन, यानी पॉजिटिव चार्ज वाला और एक नेगेटिव चार्ज वाला। अब इसको हमने पॉजिटिव चार्ज क्यों कहा, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने होंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका 11 होता है, तो 11 होंगे। इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे, अब मैंने कल बताया था कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन उस सिंबल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें तो चार्ज लगा हुआ है, पॉजिटिव का प्लस का निशान लगा हुआ है। प्लस का निशान का मतलब होता है कि उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है, किसी और को दे दिया। अब पहले इसके पास 11 थे, एक प्लस का निशान लगा, तो अब कितने रह गए इसके पास, 10 इलेक्ट्रॉन। और इसकी बात हम करते हैं तो इसमें क्या होगा, प्रोटॉन, पहले इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो प्रोटॉन में कभी भी चेंज होता ही नहीं, जितना एटॉमिक नंबर होता है वही उसका, उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की इसमें बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, 17 तो पहले से थे और एक इस नेगेटिव की वजह से आ गया, तो पूरे कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन। अगर हम ध्यान दें तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। इसके अंदर प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, तो इसमें अगर हम देखते हैं तो प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, यानी कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है नेगेटिव चार्ज से, और इसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा है किससे, पॉजिटिव चार्ज से। तो ये आयन्स होते हैं। अब अगर हम आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं, तो अभी मैंने बताया आयनिक बॉन्ड कौन सा होता है, कि जब हम उसको पानी के अंदर डालें और वो डिसोसिएट हो, यानी टूटे वो बॉन्ड, तो वो कैसा होना चाहिए, उसमें इलेक्ट्रॉन की लेन देन होनी चाहिए, शेयरिंग नहीं होनी चाहिए। शेयरिंग होगी तो वो कौन सा कहलाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। आगे अगर हम इसमें चलते हैं तो वैलेंसी हमने पढ़ ली, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने देख लिया। अब थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी हम बात कर लेते हैं, कि किसी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। तो निल्स बोर के जो साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने उसकी बात करी थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। उन्होंने कहा था कि पहला जो सेल होगा उसको के कहते हैं, दूसरे वाले को एम कहते हैं, फिर के एल एम और एन ओ पी, ऐसे उनके सेल चल रहे थे। तो अगर हम बात करते हैं, पहले तो हम हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसके अंदर एक इसमें भरा जाएगा। हमें याद रखना है कि पहले वाले में तो अप टू 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं,
अप टू टू इलेक्ट्रॉन, यानी ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं इसमें, दो, लेकिन उसके बाद वाले में हम अप टू एट भरते हैं, अप टू एट। अब पहले वाले में दो भर सकते हैं लेकिन इसमें तो एक ही था तो हमने भर दिया, बाकी के खाली। दूसरी अगर हम बात करें, जैसे हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन में एटम्स के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, आठ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ मैं इलेक्ट्रॉन लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन यहाँ एक था, यहाँ पर आठ इलेक्ट्रॉन। अब आठ को कैसे भरेंगे, पहले वाले सेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन भर गए, अब कितने बचे, छह इलेक्ट्रॉन बचे। अब अगर हम इसकी वैलेंसी की बात करते हैं तो देखो ये तो हो गए इसके इलेक्ट्रॉन्स, ये होगा फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल। तो सोडियम हाइड्रोजन की अगर हम वैलेंसी की बात करते हैं तो एक है, क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन मिलते ही क्या बना लेगा, दो स्टेबल बना जाए, बन जाए। और इसकी बात करें ऑक्सीजन की, तो अब मुझे बताओ कंप्लीट यानी स्टेबल होने के लिए इसको कितने चाहिए, आउट स्टेबल के लिए हमें चाहिए होते हैं आउटर एट इलेक्ट्रॉन, एट इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, ठीक है। अब इसके तो आउटर मोस्ट यही है एल वाला सेल, एल वाला सेल जो है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, छह इलेक्ट्रॉन। अब मुझे ये बताओ कि छह इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में है, अगर ये छह के छह निकाल दे तो इसके फर्स्ट वाले में दो बचेंगे और फर्स्ट वाले में दो क्या होता है, स्टेबल होता है। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं कि छह निकालना पड़ेगा उसके लिए, और अगर हम इसको दो इलेक्ट्रॉन दे दे तो छह और दो कितने हो जाएंगे, आठ हो जाएंगे। अब ये बताओ किसी से छह लेना आसान है या फिर, मतलब किसी को छह देना आसान है या किसी से दो ले लेना आसान है, तो हम कहेंगे कि हम किसी से दो आसानी से ले सकते हैं बजाय छह के किसी को देने से। तो इसने क्या किए, इलेक्ट्रॉन लिए या दिए, इसने इलेक्ट्रॉन लिए, और जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो वैलेंसी उसकी आती है, वैलेंसी मैं इधर लिख देता हूं, तो इसकी तो वैलेंसी वन हो गई और इसकी वैलेंसी, इसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए, दो इलेक्ट्रॉन लिए, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी होगी, माइनस की। अब मैं बात करता हूं एक और कंपाउंड की, जैसे मैं ले एटम की, जिसको मैं कह देता हूं नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन की बात करूं तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सात इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले में दो भर सकता हूं, पूरे पूरे भरे जाएंगे, दूसरे वाले में पांच भरे जाएंगे। अब अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर वैलेंस सेल यानी एल इसका वैलेंस सेल है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके पांच इलेक्ट्रॉन। अब इसको पूरे आठ करने के लिए क्या करें, या तो पांच बाहर निकाले या फिर तीन ले ले, तो ये तीन आसानी से ले लेगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है, माइनस की थ्री इसकी वैलेंसी हो जाती है। ऐसे ही मैं एक और कंपाउंड ले लेता हूं, जैसे अगर मैं बात करूं क्लोरीन की, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, यानी इसमें दो भर जाएंगे, इसमें आठ, कितने होंगे, दो और आठ दस, तो तीसरे वाले में कितने भरे आएंगे, सात। तो इसके वैलेंस शेल तो कौन सा हो गया, एम वाला, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, सात हो गए, और इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, माइनस की वन हो जाएगी। अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम के होते हैं 13 इलेक्ट्रॉन, तो 13 का मतलब दो भरे जाएंगे, आठ भरे जाएंगे, अब कितने बचे, 13 आठ और 10 दो 10, तो बचे कितने, तीन। तो ये जो तीन इलेक्ट्रॉन यहां हमने भरे, तो वैलेंस सेल इसका एम वाला हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये हो गया, और वैलेंसी। अब बताओ कि तीन निकालना आसान है या पांच लेना आसान है, तो किसी को तीन देना ज्यादा आसान है, तो ये कितनी हो जाएगी, इसकी वैलेंसी थ्री। तो ये होती है किसी भी कंपाउंड की, किसी भी एलिमेंट एटम की वैलेंसी। अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करता हूं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के बीच में रिलेशन की अगर मैं बात करूं तो वो होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू टू इंटू सॉरी एन इंटू यानी कि जो किसी भी मॉलिक्यूल का जो सबसे छोटा पार्ट होगा वो क्या होगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला, और अगर उसको एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगा उसका, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे अगर मैं आयरन की बात करूं कि थोड़ी देर पहले हमने देखा था, तो इसमें आयरन का
यानी Fe, क्योंकि इसका लैटिन नाम फेरस होता है इसलिए इसको Fe से डिनोट करते हैं। तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2 और 3, यानी ये वेरिएबल वैलेंसी शो करने वाला एटम है। अब हम चलते हैं फॉर्मूले के ऊपर कि फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड का कैसे बनाते हैं। तो किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला बेस होता है उसकी वैलेंसी के ऊपर, किसके ऊपर, वैलेंसी के ऊपर, कैसे बेस होता है। अगर मैं बात करूं कि सर मैं एक कंपाउंड बनाता हूं HCl, यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन इन दोनों को मिलाकर मैं कंपाउंड बनाना चाहता हूं और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, तो मैं कहूंगा कि इसकी वैलेंसी कितनी होती है, इसकी वैलेंसी होती है प्लस की वन, और इसकी वैलेंसी कितनी होती है प्लस की सॉरी माइनस की वन। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, साइन को हम नहीं देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये भी वन और ये भी वन, तो कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन भी एक आएगा, क्लोरीन भी एक आएगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, HCl। अब अगर मैं दूसरी बात करता हूं तो मैं कहता हूं कि मैं कंपाउंड बना रहा हूं हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन का, तो मैं कहूंगा कि इसकी वैलेंसी तो प्लस की वन होती है और इसकी वैलेंसी अभी हमने देखी थी माइनस की टू होती है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या बन जाएगा, पहले हम वो लिखते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो H कितने आएंगे, दो आएंगे, और O कितना आएगा, एक आएगा, तो H2O बन गया। इसको हम वाटर कहते हैं, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। और अगर एक एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल लें Mg और Cl ले लिया मैंने, Mg की वैलेंसी यानी मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है प्लस की टू, क्लोरीन की वैलेंसी होती है माइनस की वन। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं, तो Mg तो कितना आ रहा है, एक, तो एक लिख दिया। Cl कितने आ रहे हैं, तो ये क्या बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया। तो इस तरीके से हम क्या बनाते हैं, किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला बनाते हैं। जैसे अगर हम और चलते हैं, एक और एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, जिससे मैं एल्यूमिनियम की कराता हूँ ऑक्सीजन के साथ। अब मुझे एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन को मिलाकर एक कोई फॉर्मूला बनाना है जो स्टेबल हो, तब वो स्टेबल कैसे होगा, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है, क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम का होता है प्लस के थ्री, और ऑक्सीजन की वैलेंसी माइनस की टू। अगर मैं इसका इससे मल्टीप्लाई करता हूं, इसका इससे मल्टीप्लाई करता हूं, तो पहले एल्यूमिनियम के साथ में कितने आएंगे, दो आएंगे, और ऑक्सीजन के साथ में कितने आएंगे, तीन आएंगे, तो Al2O3 इसका क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा, यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसका फॉर्मूला बन जाएगा। तो हमेशा हम ये याद रखेंगे कि केमिकल फॉर्मूला बनाते समय हमें क्या याद रखना है, इनकी वैलेंसी का ध्यान रखना है। आगे अगर अपन चलते हैं तो कुछ मैं आपको फॉर्मूले बनाने के लिए दे रहा हूं, जैसे सोडियम ऑक्साइड का हमें फॉर्मूला बनाना है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूं, पहला क्वेश्चन है सोडियम ऑक्साइड, दूसरा क्वेश्चन है आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड, जो एल्यूमिनियम और तीसरा जो लास्ट है वो है आपका सोडियम सल्फेट या हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। अच्छा, हाइड्रोक्साइड की बात करें तो हाइड्रोक्साइड होता क्या है, OH नेगेटिव होता है, मैं आपको इतना बता देता हूँ, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको इनमें कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू बता दीजिएगा। इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।